एक मरीज वो होता है जिसका अस्पताल के बिस्तर पर डॉक्टर उपचार करते हैं, लेकिन जोनल हॉस्पिटल मंडी में इसका उल्टा हुआ। यहाँ डॉक्टर बिस्तर पर था और मरीज उनके पास अपना उपचार करवाने पहुंच गया। ना चाहते हुए भी डॉक्टर को मरीज की जिद के आगे झुकना पड़ा और उसे उपचार देना पड़ा। जोनल हॉस्पिटल मंडी में कार्यरत डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर का शनिवार को पैर का ऑपरेशन हुआ। करीब 12 बजे उन्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। 2 बजे उन्हें धर्मपुर निवासी 64 वर्षीय नारायण सिंह के परिजनों का फोन आता है। वो बताते हैं कि नारायण सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन वो उनसे ही उपचार करवाने की जिद पर अड़े हैं। हालांकि नारायण सिंह का उपचार मेडिकल कॉलेज नेरचौक में चल रहा था, लेकिन वे वहां के उपचार से संतुष्ट नहीं थे और जबरन छुट्टी लेकर जोनल हॉस्पिटल मंडी के लिए निकल गए थे। डॉक्टर दुष्यंत मरीज की जिद को नकार नहीं पाए और उसे अपने पास लाने को कहा। यहाँ डॉक्टर साहब बिस्तर पर थे और यहीं से ही उन्होंने मरीज को देखा और उसके बाद उसे उपचार के लिए जोनल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया। डॉक्टर दुष्यंत ने बताया कि बतौर डॉक्टर उनका पहला कर्तव्य यही है कि वो मरीज को उपचार दें। इसलिए नारायण सिंह ने जो निवेदन किया उसे वे नकार नहीं पाए। उन्होंने बताया कि नारायण सिंह फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे हैं और काफी समय से उनसे ही उपचार ले रहे हैं। डॉक्टर दुष्यंत ने बताया कि नारायण सिंह के अन्य परिजन भी उनसे लंबे समय से उपचार ले रहे हैं। जब मेरा ऑपरेशन के बाद मैं बेड में शिफ्ट हुआ, मेरे को फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब ऐसा पेशेंट है मेरा, उनको जो है वो अंतिम सांस ले रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि एक बार लास्ट में आपके पास मतलब मिलना और आपको दिखाना, मतलब उनका इच्छा अंतिम इच्छा थी ये। अब मैं अपना इसमें मेरा मैं अपनी टांगे सोचूँ, मैंने सोचा ना मैं हिल पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। मैंने बड़ा दुविधा में था, तो फिर भी मैंने उनको बोला चलो ठीक है, आप लोगों किसी की इच्छा अंतिम इच्छा बेचारे क्यों किसी के मन की इच्छा को ख़त्म कर मतलब ऐसे पूरे न होने देना। मैंने कहा लिया ले आओ फिर मैं देख लेता हूँ। मेरे पास ले आया तो फिर मैंने यहीं से उनको देखा और ट्रीटमेंट वगैरह डाली सारी। अब उसके उपरांत मैंने फिर उनको एडमिट कर दिया कैजुअल्टी में, जिससे भी मेरी मतलब उनकी मदद हो सके मैं पूरी मदद करता हूँ। तो मैंने पूरी कोशिश की कि पूरी जितना हो सके बेचारे को मदद। अब वो जो हैं मतलब बहुत, अभी मेरे पास उनके अटेंडेंट भी आए, बोले सर अभी 20 या आपको देख के और उनके 20% 30% जो अभी वो अपन को ठीक महसूस कर रहे हैं। नारायण सिंह की हालत में अब सुधार हो रहा है। खुद नारायण सिंह ने बताया कि वे पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर दुष्यंत पर उनका अटूट विश्वास है, क्योंकि इससे पहले भी इनके परिवार के कई लोगों को डॉक्टर दुष्यंत ने उपचार करके ठीक किया है। इधर नारायण सिंह ने डॉक्टर दुष्यंत के जल्द स्वस्थ होने की दुआ भी की है। डॉक्टर सबसे बड़ा विश्वास है मेरे को, इसने मेरे को भी बचाया हुआ है, मेरे भाई को भी बहुत सुविधा दी है बेचारे ने। इसका भला करेगा भगवान, आपका भी भला करेगा भगवान। अच्छा अब कैसा फील कर रहे हैं आप? अब ऐसा फील करता हूँ भाई, यहाँ पहुँच गया जब मैं मंडी में, तो मुझे हवा हवा बढ़िया लगी, अच्छा वातावरण है, खुला है और ट्रीटमेंट मेरे फटाफट हो गई, ऐसा लगा। पहले से ठीक? और पहले से मेरे को 10% 25% फर्क है। वहीं नारायण सिंह के दामाद सोहन सिंह ने डॉक्टर दुष्यंत का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे डॉक्टर कम ही मिलते हैं जो मरीज के प्रति इतनी संवेदनाएं रखते हैं। हालांकि डॉक्टर दुष्यंत सरकारी डॉक्टर है, जबकि प्राइवेट में भी ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते। डॉक्टर खुद बेचारे बिस्तर पे हैं और गवर्नमेंट ऐसा तो है ना कि प्राइवेट है, मतलब उन्होंने अच्छा उपचार दिया, अच्छा डायग्नोसिस दिया, मतलब उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और आप पत्रकार बंधुओं का भी, इनको है सांस की प्रॉब्लम है, इनको हम लुधियाना भी ले गए थे और नेरचौक में भी, धर्मपुर में और मंडी, तो यहीं परमानेंट ही चला हुआ इनका पहले से। निश्चित रूप से किसी मरीज की अपने डॉक्टर के अटूट विश्वास की ये कहानी नई नहीं है। ऐसे लोगों का देश में एक बड़ा तबका है, लेकिन अपने मरीजों का किसी भी स्थिति में इलाज करने वाले ऐसे डॉक्टर कम ही देखने को मिलते हैं। डॉक्टरों द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे ऐसे प्रयासों से ही उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। मंडी से दूरदर्शन संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।